अब देख रहे मिला टाइम्स, और मेरे साथ है रविकांत भारती। रविकांत भारती इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव है, समाज में भी एक्टिव है, और जो समाज के रियल मुद्दे हैं उससे उठाते हैं। इसके अलावा रविकांत की खासियत यह है कि कई सारे लोग जो समाज में नफरत और जहर घोलने का काम करते हैं उसे काउंटर करते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं और कोशिशें कर रहे हैं हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, हिंदू मुसलमान मिल करके रहे। हाँ, मुसलमानों में जो उल्टे सीधे बोलने वाले हैं या हिंदू समाज में उल्टे सीधे बोलने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ कुछ लोग हैं जहर घोलने वाले, तो उनके बीच पुल बांधने का काम करते हैं, सच्चाई को रविकांत सामने लाते हैं। और अब रविकांत की इन कोशिशों के खिलाफ कुछ लोग पीछे पड़ गए हैं, रविकांत को लगातार धमकियां दे रहे हैं मारने की, और ये धमकियां कभी उनको मंदिर से दी जाती है, डासना मंदिर से, और वहाँ के जो पुजारी है उनके चाहने वाले, और कई सारे लोग धमकियां दे रहे हैं। रविकांत भारती ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो भी इस सिलसिले में अपलोड की है। हमारे साथ खुद मौजूद है रविकांत भारती, उनसे जानते हैं कि कोशिश क्या कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वो चाहते क्या है, और क्यों लोग उनके दुश्मन बने हुए हैं। रविकांत भारती साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने पूछा कि मेरी विचारधारा क्या है, तो देखिए, मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया हूं और मैं कहता हूं जो हिंदूइज्म की फिलॉसफी है, हमारा हिंदू धर्म जो है, विवेकानंद उसमें जाते हैं, शिकागो या रामकृष्ण परमहंस या बहुत सारे साधु महात्मा हैं जो हमारे प्रेम और करुणा का धर्म बताते हैं, प्रेम और सद्भाव और भाईचारे का धर्म बताते हैं। हिंदू धर्म कभी भी हिंसा सिखाता ही नहीं है। हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें, उसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, हर एक वर्ग के लोग आते हैं। तो आजकल जो बीजेपी, आरएसएस और ऐसे दासना मंदिर का जो पुजारी यति नरसिंहानंद है या ये सूरजपाल अंबू जैसे लोग हैं, ये लोग हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म का ऐसा लोगों के दिमाग में डाल देंगे, विदेश के लोगों के या पूरे विश्व के लोगों के, कि हिंदू धर्म का मतलब नफरत होता है, मुसलमानों को मारना पीटना होता है, दंगे करवाना होता है, जो जब तक मेरे जैसे हिंदू भाई जिंदा हैं इस चीज को होने नहीं देंगे। और मैं मेरे दादा मेरे पिताजी यही सिखाए हैं कि प्रेम से करुणा से लोगों का जितना भला कर सको करो, और हिंदू धर्म भी यही सिखाता है और मैं इसी फिलॉसफी को लेके खड़ा हूँ। रविकांत भारती भाई, बहुत अच्छी बात की आपने कि हिंदू मजहब जो है वो हिंसा नहीं सिखाता है, बट ये कुछ लोग हैं जो लगातार इस तरह की बात करते हैं, मंदिर में बैठकर यति नरसिंहानंद इस तरह की बात करते हैं, आखिर क्यों, उसके पीछे उनकी फिलॉसफी क्या है, वो चाहते क्या है? ये सच है कि हिंदुइज्म में बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि हिंसा सिखाया जाए, नफरत की बात सिखाया जाए, किसी दूसरे मजहब के खिलाफ लोगों को सिखाया जाए, लेकिन ये लोग क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे की मंशा क्या है? बिल्कुल, देखिए, इसके पीछे की मंशा है राजनीति। अब जो है, आप अगर यति नरसिंहानंद का खंगालेंगे तो पहले कांग्रेस में था, बाद में समाजवादी पार्टी में आया, 2014 में मोदी के लिए उसने प्रचार का कार्य किया, तो आप देखेंगे ये बंदा साधु महात्मा कम, ये राजनैतिक ज्यादा है। और अभी उत्तर प्रदेश या जहां भी, पूरे भारत में पिछले 7 वर्षों में अगर आप पूछेंगे कि किसके जेब में पैसा है, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोग यहाँ रेत में गाड़े गए हैं, कोरोना काल में ना उनको वैक्सीन ना ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी। बीजेपी विकास के मुद्दे पे अब जीरो हो गया है, अब उसको हिंदुओं के वोट को अपने जाल में फंसाना है तो वो विकास के मुद्दे पे नहीं, वो मुसलमानों के प्रति जहर उगले। अब मुसलमानों के प्रति जहर कौन उगलेगा, इनके प्यादे हैं यति नरसिंहानंद, वो भले बोले कि मैं प्यादा नहीं, वो प्यादा है। सूरजपाल, आप देख सकते हैं, सूरजपाल कुछ दिन पहले कहा था कि जहां भी मुल्लाओं को देखो ठोको, 50,000 का भीड़ जुटाया था हरियाणा में, मैंने हरियाणा सरकार से कहा था कि इसको तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए, हरियाणा सरकार ने उसको क्या बना दिया, वहां का बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया। तो ऐसा समझिए कि अब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव करीब है, हरियाणा में किसान आंदोलन जितना पंजाब और हरियाणा वाले जितना बीजेपी से खफा है, अब हरियाणा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपना नींव रखने के लिए मुसलमानों का कत्लेआम कराना पड़ेगा, दंगे करवाने पड़ेंगे, और उसके लिए ऐसे ये लोग नफरती जीव जो यति नरसिंहानंद हो गए या ये सूरजपाल अंबू हो गए, ऐसे नफरती जीव को ये लोग पाल के रखे हैं, और आप देख रहे हैं सामने सब कुछ आता जा रहा है। ये लोग चाहते क्या है, और ये लोग जो उन्होंने आपको धमकी दी, क्या धमकी देकर क्या है, आपने कहा
सूरज पाल ने आपको धमकी दी है, इससे पहले अति नरसिंह आनंद के भी कुछ चेलों ने आपको धमकियां दी थी, उस वक्त आपने वीडियो बनाई थी, ये धमकी क्यों दे रहे हैं और क्या बोलते हैं धमकी देकर के आप लोग? जो धमकी देते हैं उसका मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। जो यति नरसिंहानंद के चेले ने मुझे धमकी दिया था वो देखिए साफ तौर पे मैं कहूंगा वो यति नरसिंहानंद स्वयं धमकी दिलवाया था। उसमें मुझे कहा गया था कि तू ग्रेटर नोएडा आ जा, तू नोएडा आ जा, तू दासराम मंदिर के पास आ जा, तुझे मार दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। अब देखिए हिंदू धर्म में जो जगह है ना असहिष्णुता का नहीं है, सहिष्णुता का है, प्रेम का है। अब एक स्वामी यति नरसिंहानंद के जो बरगलाए हुए, बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग मिल जाएंगे जिनको बरगला के उनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति इतना नफरत भर दो और उसके बाद यति नरसिंहानंद को जब गाली पड़े तो उन्हीं बरगलाए लोगों से फोन करवा के मुझे धमकी दिलवाया। तो मैंने तो कहा कि इसकी हिंदुत्व की समझ यही है, यह गालियां देता है हिंदुओं को माँ बहन की, साथ साथ ये हिंदुओं को बहुत सारा उल्टा सीधा बात कहता है और ये अपने चेलों से मुझे गालियां दिलवाता है। मैंने इसके चेले को, आप ही सोचिए, किसी को गोली मारना है तो मुझे वो दासना बुला रहा है, मुझे ग्रेटर नोएडा बुला रहा है, मुझे गोली मारना है तो मैं जहां पे हूं मैं एड्रेस दे रहा हूं, यहां आके गोली मारो। इन लोगों के पास सही मायने में दम है नहीं, केवल भौंकते हैं फोन करके। और एक यति नरसिंहानंद के बरगलाए हुए लोग थे। और जो अभी धमकी मिला है सूरज पाल अंबू के चेले ने जो मुझे धमकी दिया है, उसमें तो धमकी दी उन्होंने। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन है उसके बावजूद 50,000 का भीड़ और वहां ये सूरजपाल अंबू कह रहा है मुल्लाओं को जहां देखो ठोक दो, किसी की मां ने दूध पिलाया है तो बचाए। मैंने कहा कि ऐसा बंदा जो संविधान को अपने हाथ में लेके लेने की कोशिश कर रहा है, कि देश के नागरिकों को आपस में बांटने और लड़ने की बात कर रहा है, ऐसे बंदे को तुरंत प्रभाव से जेल में डालना चाहिए। यह वीडियो सुनते ही अंबू जो है पूरा का पूरा बिलबिला गया। इसके चेले फोन करके, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो धमकी दिया है बंदा कि गला काट दूंगा, रविकांत भारती का गला काट दूंगा। अब यही कोई मुस्लिम बंदा, वाकई बड़ा घटिया लफ्ज है और शदीद लफ्ज है कि एक बंदा और जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, बीजेपी का स्पोक पर्सन है हरियाणा में, वो एक नौजवान आदमी को कह रहा है कि तुम्हें गला काट दूंगा, जबा कर दूंगा। कितना शदीद लफ्ज है, इसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस भी सोए रहती है, कोई तवज्जो नहीं देती है। और मतलब सोचिए कि लफ्ज कितना कि डायरेक्ट वायलेंस को बढ़ावा देना, गला काटने की बात करना। जी रवि भाई कुछ कह रहे थे आप। हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब सूरजपाल अंबू पहले बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं था, उसके चेले ने मुझे गला काटने का धमकी दिया, कहा तेरी हिम्मत कैसी हुई। अब देखिए एक अरणी सेना का सूरजपाल जो बच्चों के ऊपर पथराव करवाता है, जो ऐसे धमकियां देता है, इसको बीजेपी प्रवक्ता बना के साबित क्या कर रहा है कि तुम मुसलमानों को, वो देखिए जुनैद और अखलाक के हत्यारों को वहां पे माला पहना के स्वागत किया गया, 50,000 लोगों के सामने ऐसे लोगों को माला पहनाना और 50,000 भीड़ को मैसेज देता है कि तुम लोग लिंचिंग करो, और उसमें ऐसे बंदे को स्पोक पर्सन बना देना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुस्लिम वर्ग के ऊपर बहुत ज्यादा हिंसा का बढ़ावा देने वाली बात है। और इसलिए मैं रविकांत भारती जैसे जब तक हिंदू जिंदा है, अब मैं कोशिश करूंगा कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के जल्द से जल्द बाहर फेंका जाए, जैसे बंगाल में उन लोगों ने मुक्की खाया, उत्तर प्रदेश में खाएगा और हरियाणा में भी किसान खपा है वहां भी खाएंगे। और 2024 में बीजेपी को विदा करना बहुत जरूरी है, अगर ये विदा नहीं होता है तो नागरिक नागरिक को लड़ाएंगे, ये लोग खून करवा के अपने सत्ता में काबिज बनने का ये लोग कोशिश करेंगे, जो होने नहीं देना है, मैं नहीं होने दूंगा। अब कैसे करेंगे रवि भाई, बीजेपी का जो ग्राउंड पे काम बहुत मजबूत है, उन्होंने जो नफरत और जहर घोला है आवाम में, लोग समझते हैं कि जो मोदी है, अमित शाह है या बीजेपी के लोग हैं, हिंदू धर्म जो खतरे में था उसको इन लोगों ने बचाया है, राम मंदिर मोदी साहब ने बनवाया है या कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया है, ये आवाम की निगाह में कि सब मोदी सरकार ने किया, इसलिए मोदी के अलावा कोई और सरकार नहीं आ सकती भारत में, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है, देखिए मैं अभी भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश या देश के सभी हिस्सों में अब बीजेपी का ऐसा विरोध होने लगा है कि कहीं अगर चाय के दुकान पे भी अगर मोदी का पहले चर्चा होता था, अब कोई चर्चा करके दिखाए, एक आदमी चर्चा करता है तो चार आदमी उसके ऊपर मुंह बंद करने के लिए तैयार रहते। तो आप कह रहे हैं जो राम मंदिर बना, देखिए नागरिक देश का बहुत चालाक होता है, ये राम मंदिर बना, सब कुछ बना, लेकिन अभी नागरिक देख रहा है मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मेरे जेब में पैसा नहीं है,
उसके बाद देख रहा है कि रोजगार का कोई साधन नहीं है, और ऐसे में नागरिकों का आंख पूरी तरह से खुल चुका है और वो ऐसे सरकार को वो विदा करके छोड़ेंगे। आपका एक प्रश्न था मैं कैसे करूंगा, मैं हर एक जिले में, ऑलरेडी मैं भदोही में शुरू किया हूं, हर एक जिले में मैं जाऊंगा और हिंदू बस्ती में भी जाऊंगा, मुस्लिम बस्ती में भी जाऊंगा, और मैं एक भाईचारा संकल्प चलाने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है, वो किस तरह से हिंदुओं को ही बलि का बकरा बना रहा है, और मैं हिंदुओं को संकल्प दिलाऊंगा कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई, और हम लोग संकल्प लेते हैं कि ऐसे सरकार जो देश के नागरिकों को हमारे भाइयों से हमें लड़ाए, इसको बाहर का रास्ता दिखाना है। और जब मैं उस संकल्प अभी शुरू कर दिया हूं, मैं उसका वीडियोस भी बनाऊंगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूंगा, तो उससे भी मैं डेफिनेटली कहता हूं उससे बहुत ज्यादा पावर मिलेगा, लोग को समझ में आएगा एग्जैक्टली कि ये हिंदू मुस्लिम बहुत पुराना हो गया, अब हमें पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए और हमें भोजन चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे रवि कांत भारती, जिनको आपने सुना। रवि कांत भारती के जो हौसले हैं, बुलंद है, अज़्म जवां है, उनका साफ कहना है कि हम हिंदुस्तान में, भारत की सरजमीन पर हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, नफरत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, नफरत को ख़त्म करने के लिए, भाईचारा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि सब लोग मिल करके रहें, और जो लोग नफरत फैलाते हैं या नफरत की सियासत करते हैं उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। रविकांत भारती का मिशन है, इनका जज्बा है, देखते हैं आगे हिंदुस्तान में क्या होता है। लेकिन ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों के हौसले को, इनकी हिम्मत को, इनकी जुरत को सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए, जो भारत में अमन, यकजहती, सलामती और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं, आप रविकांत भारती को कितना सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी इस मुद्दे पर। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपए और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपए। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।